Aslam alaikum. Welcome to lecture 10 in our CS201 course, Introduction to Programming. Pisli time Fahamne functions about ki or ki. functions jo hai na, as you will learn and you probably already have learnt a little bit, are the bread and butter of a C programmer. Yani, har pe ye hote hai, and we shall become very, very expert at writing our own functions and using functions. Nonetheless, इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा रि करना चाहता हूँ एक चीज़ का ये कोर्स जो है ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इट इज़ नॉट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी सो प्लीज़ बी अवेयर दैट व्हेन आई ट्राई टू गिव यू सम कॉन्सेप्ट्स वो फंडामेंटल्स की रेंज में आने चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू कंसीडर कि यह बात जो है ये दूसरी लैंग्वेज में भी अप्लाई हो सकती है सिर्फ सी तक महदूद नहीं है सो so, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट और नाम आ जाएंगे आप जावा में जाएंगे वहाँ पे मेथड्स का नाम आना शुरू हो जाएगा विंडोज प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो मैसेजेस का नाम आना शुरू हो जाएगा दे मे बी डिफरेंट नेम्स बट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम टॉप डाउन डिजाइन यूल नेवर गो रॉन्ग विद इट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वेल अभी आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग आ रही है येस बट यू विल स्टिल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन राइटिंग अ लिटल मैथड इन साइड एन ऑब्जेक्ट आएगा सब कुछ आएगा लेकिन बी अवेयर के डोंट थिंक जी आपको सिर्फ सी पढ़ाई जा रही है आपको प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं सेड दैट लेट्स मूव ऑन एंड सी जी आज हमने किन किन चीज़ों की बात करनी है पहले तो मैं कुछ बात करूँगा हेडर फाइल्स की देन वी विल गो ऑन एंड टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देन वी विल कम बैक टू फंक्शंस अगेन एंड वी विल कम्प्लीट आर डिस्कशन और रादर कंटिन्यू आर डिस्कशन on call by value and call by reference. So, let us start with header files. देखें आप already एक header file इस्तेमाल करते आए हैं day zero से और शायद आपको इल्म भी हो गया हो जो हम main program से सबसे पहले लिखते थे sharp include iostream.h तो iostream.h जो थी वो header file थी और .h से आपको idea भी हो गया होगा ये header file है that is the extension of the file name. फाइल्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट टाइम आई स्पोक लिटल बेट अबाउट फंक्शन प्रोटोटाइप्स ठीक है कि जी एक डेक्लेशन होती है एक डेफिनेशन होती है डेक्लेशन का दूसरा नाइम नाम जो है वो प्रोटोटाइप हो सकता है कहा जा सकता है उसको नॉर्मली अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और उनको हम किसी और प्रोग्राम में या किसी और फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि जी पहले उस फंक्शन की बॉडी या डेफिनेशन से पहले सारे फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स लिस्ट कर दें और फिर फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल करें एंड वी डू दैट अगेन एंड अगेन एंड वी डू दैट विद मेनी फंक्शंस मे बी यू गॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम उसके अंदर कई दफ़ा आपको ये करना पड़ रहा होता है इट बी सिम्पलर अगर हम वो सारी फंक्शन प्रोटोटाइप्स कहीं एक जगह पर रख देते और यहाँ पर कोई एक छोटी सी बात कह देते कि जी ये वाली फाइल है जिसमें सारे प्रोटोटाइप्स पड़े हुए और उनको वहाँ से ले इस्तेमाल कर लो That is the basic concept of a header file. So what we can do is make our own header files, which is a simple text file with a dot h extension. That is usually the extension but in rules of good practice okay ham unko dot h extension Or apne function prototypes And you will recall the prototype is just that return value, function name, and an argument list, and the argument list also has The data types दाइप इन and एंडट इज a ठीक है ना you've got a prototype list in that header file. उसको आप इसी डायरेक्टिव के साथ शार्प इंक्लूड के साथ आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं एंड दैट विल देन बी लाइक द declaration ऑफ द फंक्शन as इफ आपने उस प्रोग्राम या उस फंक्शन से पहले आपने खुद लिखा होता explicitly वो जो prototypes थी But function prototypes are not the only thing that can be put into a header file. Again, if you remember last time we area of a circle ka program pi ka value B is tamal ki or values tamal karte, manebahape likdi three point one four one five whatever. Ye things which are considered as universal constants or even as constants within our domain of operations. इट वुड बी नाइस अगर उनको भी कोई मीनिंगफुल नाम दे दिए जाएं और इसके भी दो फ़ायदे हैं आप देखें प्रोग्राम के अंदर तो मैं कर सकता था एट वुड है वेरिएबल ऑफ टाइप डबल और उसको नाम दे देता पाए पी आई और फिर पी आई इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स और वॉट एवर आई वॉन्ट वो लिख के बाद में हर कैलकुलेशन के अंदर में पी आई लिखता जाता उससे बेहतर ये है कि जी हम किसी फाइल में इस किस्म के कॉन्टेंट की वैल्यू प्री डिफाइन कर छोड़ें वंस एंड फॉर ऑल एंड देन सिंपली बाय इंक्लूडिंग द हेडर फाइल इन आ प्रोग्राम दैट वैल्यू इज डिफाइंड एंड इट हैज़ अ नेम अगेन अ मीनिंगफुल नेम पी आई पाई और वो हम अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे विदाउट सीइंग द हॉरेंडस नंबर थ्री पॉइंट लाप 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 ठीक है सो वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट वी वॉन्ट टू गिव स मीनिंगफुल नेम्स टू कॉन्सटेंट्स वो कॉन्सटेंट्स भी हम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं हेडर फाइल्स के अंदर कुछ और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवस होते हैं लेकिन इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दोज फॉर द मोमेंट बट एक बताता चलूँ वो है शार्प डिफाइन सो बाई यूजिंग द शार्प सिंबल एंड द की वर्ड डिफाइन डी आई एफ आई एन ई उसके बाद हम नाम लिखते हैं सो इन दिस केस पाए पी आई और फिर स्पेस दे के उसकी वैल्यू लिख देते हैं वट दिस डज़ इज़ It does a funny thing, it's not really creating a variable. It is associating a name with a value, and the name can then be used inside a program exactly like a variable. Why it is not a variable, you cannot use it on the left hand side of any assignment. So once it's defined, it's defined. Or basically shorthand katharika What happens is that it value define ki sat define kardi or pi which is the symbol hairy. जब प्रोग्राम लिख के आप कंपाइलर को हैंड ओवर करेंगे तो वॉट इट डज़ इज़ जहाँ जहाँ उसको पी आई मिलता है वहाँ पर उसकी जो एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू है और वॉट एवर वैल्यू यू टू इट वो वहाँ पर रिप्लेस करके उसको कंपाइल करता है सो एक्चुअली कंपाइलेशन वगैरह के अंदर पाई वगैरह भूल जाते हैं उसमें वैल्यूज़ आ जाती हैं और उनका एक्चुअल इस्तेमाल शुरू हो जाता है फॉर अस एज ह्यूमन बींग्स इट बिकम्स वेरी रीडेबल इन अ प्रोग्राम टू सी द सिंबल पाए एड टू दैट द फैक्ट कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ यूज़ मीनिंगफुल नेम्स फॉर वेरिएबल्स सो इफ़ यू सी अ लाइन विच सेज समथिंग इज इक्वल टू पाई टाइम्स रेडियस टाइम्स रेडियस इट्स ऑब्वियस कि जी पाए आर कैलकुलेट किया जा रहा है इफ़ यू सी इन प्रोग्राम समथिंग लाइक टू टाइम्स पाए टाइम्स रेडियस यू नो कि ये किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट की जा रही है नोटिस यहाँ पर मैंने टू इस्तेमाल किया है सरकम फ्रेंस में क्योंकि टू पाई आर हम इस्तेमाल करते हैं डोंट गो ओवरबोर्ड इतनी ज़्यादा नहीं करनी के लिए अब टू को हम डिफाइन करने चल पड़े टू इज़ अ कॉन्स्टेंट बट इट इज़ यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मूला पाए ऑन द अदर हैंड उसकी लेवल एक और है वो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए शार्प डिफाइन करना इज इंटेलिजेंट एंड गुड अब हम थोड़ी सी बात आगे चलाते हैं और हम बात करते हैं स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स की अब नोटिस करें कि मैंने वेरिएबल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया मैंने आइडेंटिफायर कहा है क्यों क्योंकि आइडेंटिफायर मीनस एनी नेम्स दैट द यूज़र क्रिएट्स इन साइड हिज हर प्रोग्राम नेम्स किस किस चीज़ के हो सकते हैं वेल ऑबियसली वेरिएबल्स इज़ वन बट फंक्शंस भी जो हैं वो भी नाम हैं उनके सो दे आर ऑल्सो आइडेंटिफायर्स इसके अलावा सी में लेबल्स भी होते हैं वो भी आइडेंटिफायर्स हैं सो वी विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स

ये आई जो है उस फंक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो भी कंप्यूटेशन करनी है आई को इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस फंक्शन से हट के हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं और उसमें हम कहते हैं कि जी आई इस्तेमाल हो जाए तो सॉरी वो आई तो उस फंक्शन को बिलोंग करता था इस फंक्शन में से वो नज़र नहीं आएगा सो इट इज़ नॉट विजिबल टू एनी अदर फंक्शन दैट आई इज़ लोकल टू द प्रीवियस फंक्शन जिसमें वो डिक्लेयर किया गया था इस फंक्शन में अगर इस्तेमाल करना है तो या तो किसी मेकनिज़म से उसकी वैल्यू इधर पास की जाए और या अगर वैल्यू नहीं पास करनी और सिंपली आपको एक वेरिएबल चाहिए तो यहाँ फिर से उसको डिक्लेयर करें सो ऑल द फंक्शन यू राइट कैन हैव एन इंट आई एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम हाँ अगर किसी फंक्शन में आपने आई एज एन इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है तो दोबारा उसको कर सकते हैं कि नहीं वील वरी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लिटल आइटम दैट वी कम टू विच इज़ द स्कोप इन साइड अ फंक्शन जब हमने पहली स्कोपिंग की हमने कहा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इनसाइड अ फंक्शन और मैंने कहा कि वो फंक्शन के अंदर नज़र आता है इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को एक्सपेंड कर लें देखें फंक्शन की बॉडी जो है वो शुरू होती है कर्ली ब्रेसेस से और एंड होती है कर्ली ब्रेसेस के साथ ये जो है दैट्स द बॉडी ऑफ द फंक्शन और मैंने अर्ली आपको बताया था कि ब्रेसेस जो हैं वो कोड के ब्लॉक को इनकेपसुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं

विच इज़ एनक्लोज बाय कर्ली ब्रेसिस अगर उसके अंदर आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो वो उस ब्लॉक के लिए लोकल वेरिएबल बन जाता है वो उस ब्लॉक से बाहर नज़र नहीं आता सो इफ़ यू हैव अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड नॉट बी बी केयरफुल वी एम नॉट सेइंग यूज्ड आई मीन डिक्लेयर्ड सो अगर हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर इंट आई लिख दिया तो वो उन कर्ली ब्रेसिस के अंदर नज़र आएगा उन बाहर नज़र नहीं आएगा So in a way this definition is more proper because it applies to the function itself curly braces When we talk about scope, we are talking of the visibility. So this particular variable jo ke block ke andar defined kiya hua hai, uski visibility is within the block, its scope is within that block. The variable that is defined within the function has a scope which is function wide. इफ़ यू इंसिस एंड यू सी के जी हमने फंक्शन के अंदर दाखिल होते ही हमने इंट आई लिखा और फिर आगे चले एक और ब्लॉक डिफाइन किया उसके अंदर फिर इंट आई लिख दिया तो इज़ दैट अ प्रॉब्लम इज दैट अंटेक्स एरर द आंसर इज नो इट इज़ नॉट अंटैक्स एरर क्योंकि हम सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर रहे हैं यू कैन डिक्लेयर फंक्शन इन य वेरिएबल्स एनी वे यू वॉन्ट होगा क्या कि जो ब्लॉक के अंदर आई डिक्लेयर आपने किया है वो ब्लॉक के अंदर नज़र आएगा जो बाहर वाला आई है वो नज़र नहीं आएगा यानी इट इज हिडन ओके नाउ, इट टेंस टेंट अ लिटल कंफ्यूजिंग, एंड देयर फॉर आई डू नॉट रिकमेंड दिस यूज ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स विद द सेम नेम्स इन साइड ब्लॉक इन साइड अ बिगर फंक्शन और इन साइड अ बिगर ब्लॉक यू शुड ट्राई टू यूज़ सेपरेट वेरिएबल नेम्स सो देट देर इज़ नो कन्फ्यूजन री यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इज़ वेरी वैलड ऊपर इंट आई डिक्लेयर करें उसको इस लूप में भी इस्तेमाल करें इसमें भी करें इसमें भी करें नो प्रॉब्लम बट हर दफ़ा इंट आई या आई को रीडिक्लेयर करना इज़ बैड प्रैक्टिस वो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जी इस वक्त यहाँ पर कोड में जो आई इस्तेमाल हो रहा है ये वो वाला है जो फंक्शन लेवल पर डिक्लेयर किया था या वो वाला है जो ब्लॉक लेवल पर डिक्लेयर किया था वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट ये तो हो गई फंक्शन और ब्लॉक्स की स्कोप क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसी मशहूर ज़माना इंट आई को डिक्लेयर किया जाए ताकि हमारे सारे फंक्शंस के अंदर वो नज़र आता रहे सोचें ऑलरेडी हमने एक काम ये कर चुके हैं क्या किया हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप तो लिखी थी ना जिसको हमने कहा फंक्शन डिक्लेरेशन और वो मेन से बाहर रख दी या कॉलिंग प्रोग्राम से बाहर रख दी जब बाहर रखी तो इट इज़ आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन द सेम थिंग अप्लाइज टू द डिक्लेरेशन ऑफ़ वेरिएबल्स

ठीक है ना एक मेन होगा वो लाजमी है कि जी मेन के दो दफ़ा नहीं हो सकता सो कम अज़ कम एक मेन होगा और फिर बाकी फंक्शनस होंगे अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि एक्सेसबल हो सारे फंक्शन से तो आप उसको बाहर लिख देते हैं जहाँ हमने शॉप इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच लिखा था उसके साथ आप लिखते हैं नीचे इंट आई सेमिकोलन अब ये आई हर फंक्शन के अंदर विजिबल होगा इंक्लूडिंग मेन जो फाइल में पड़ा हुआ है इसका हम कह देते हैं ये फाइल स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है इट बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल इट्स अवेलेबल फ्रॉम एवरीवेयर ग्लोबल वेरिएबल्स के यूजेस भी हैं यू कैन थिंक ऑफ सम कि जी एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि ग्लोबल है हम उसको इस्तेमाल करें और जहाँ पर भी जाएँ उसकी वैल्यू हमें मिल जाए लेकिन उसके डेंजर्स भी हैं बिकॉज यू माइट बाई मिस्टेक थिंक दैट इट्स अ लोकल वेरिएबल इसको आई को इस्तेमाल कर लो कुछ नहीं होता पता चलेगा कि जी वो जो फंक्शन i को वापस रेफर कर रहा था उसके लिए एक वैल्यू बदल चुकी है एंड यू हैव अ प्रॉब्लम यू विल हैव अ लॉजिकल एरर यू वोंट हैव अ सिंटैक्स एरर योर लॉजिक कैन गो रॉन्ग सो द मॉडल ऑफ द स्टोरी हेयर इज़ दैट यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स ठीक यू शुड ट्राई टू यूज़ लोकल वेरिएबल्स एज़ फार एज़ पॉसिबल और ये जो है ये बैक टू द फिलोसफी ऑफ इनकेप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग की तरफ चला जाता है कि जी लोकली कोई चीज़ डिक्लेयर करो वहाँ इस्तेमाल करो या वहाँ से निकले तो चीज़ फारिग सो वी हैव टू वरी अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफायर्स। देर इज़ अ ग्लोबल स्कोप एनी थिंग आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन इज़ विजिबल टू ऑल फंक्शन इन दैट फाइल एंड कैन बी यूज देर इज अ फंक्शन लेवल स्कोप फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो पूरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है देर अ ब्लॉक लेवल स्कोप ब्लॉक के अंदर फंक्शन या इंटीजर या कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वो ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो जाता है आप अपनी किताब में देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वो लिखा होता है इस तरह की चीज़ के जी फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन समथिंग डू समथिंग एल्स ये इन अ वे इज़ ब्लॉक लेवल स्कोप ये फॉर स्टेटमेंट के अंदर इंट आई डिक्लेयर हो रहा है और ये जैसे ही फॉर खत्म होगी आई नो लॉन्गर एग्जिस्ट इट इज़ नॉट विजिबल इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल वेदर यू एडॉप्ट दिस फॉर ब्लॉक्स और यू कीप इट आउटसाइड माय ओन प्रेफरेंसेस आई वुड लाइक टू हैव द डेक्लेशन वेरी क्लियर एंड विजिबल एंड देन आई वुड वॉन्ट टू यूज दैट वेरिएबल आई डोंट वॉन्ट टू कंफ्यूज एन इशू के जी बाहर भी कोई आई है यहाँ पर कोई और आई है कहीं और है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर माई सेल्फ आई वॉन्ट टू नो कि मैंने डिक्लेयर क्या किया हुआ है और फिर उसको मैं इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहा हूँ अस टेक अ लुक एट अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ग्लोबल स्कोप हम ये आई इंटीजर हमारा फेमस आई उसको डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन सो आई ऑ स्ट्रीम के बाद जो लाइन है वहाँ हम कह देते हैं इंट आई मेन के अंदर आते हैं और पहले हम इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं हम कहते हैं आई इज़ इक्वल टू टेन और सी आउट के साथ हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं स्क्रीन पे साथ हम बता देते हैं कहाँ से प्रिंट हो रही है हम कहते हैं विद इन मेन आई इज़ इक्वल टू और आई की वैल्यू सो टेन विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन उसके बाद वी गो एंड वी ट्राई टू कॉल अ फंक्शन ठीक है ना फंक्शन लेट्स से फॉर द सिंपल एग्ज़ाम्पल हमने उसका नाम एफ़ दिया हुआ है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसको कोई आर्गूमेंट नहीं पेश होता सो so, उसका प्रोटोटाइप है सिंपली वॉय एफ़ विद एम टी परेंथिसिस या उसमें भी वॉइड लिख दें एन अदर न्यू की वर्ड वी ओ आई डी स्पेसिफिकली यूज इन सी प्लस प्लस एन दीज लेटर लैंग्वेज टू इंडिकेट कि यह फंक्शन कोई चीज़ वापस नहीं करता सो अदरवाइज वी कुड जस्ट राइट एफ परेंथिस इन दैट्स एनफ वो डिफॉल्ट कर जाएगा टू सम अदर डेटा टाइप सो मेन के अंदर से हम एफ़ कॉल करते हैं और एफ़ की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि जी सी आउट के साथ इनसाइड फंक्शन एफ आई इज़ इक्ल टू सो एंड सो अब जो मेन में हमने आई इक्ल टू टेन कहा था वो एफ़ के अंदर से भी वही वैल्यू प्रिंट हो जाती है एफ़ के अंदर हम नेक्स्ट लाइन डाल देते हैं आई इज़ इक्वल टू ट्वेंटी और फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं क्या हुआ आई को वैल्यू ट्वेंटी असाइन हो गई कौन सा आई वो आई जो कि तमाम फंक्शन इंक्लूडिंग मेन से बाहर डिक्लेयड है इट हैज़ ग्लोबल स्कोप सो इट एक्चुअली दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट वर्क वापस हम फंक्शन कॉल के बाद मेन में आएगा आपका जो प्रोग्राम फ्लो है वहाँ पे फिर आप सी आउट के साथ अगर आई की वैल्यू प्रिंट uh, करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू 20 नज़र आएगी सो ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी असाइंड टू एंड यूज बाय एनी एंड ऑल फंक्शन विद इन द फाइल। ठीक व्हाई दैट्स वाई सेट दर इज़ अ डेंजर कि जी फंक्शन के अंदर हमने आई को एज़ अ लूप काउंटर इस्तेमाल कर लिया वापस आए तो पता चला जी वो जहाँ लूप खत्म हुई थी वो वैल्यू वापस पहुँच गई है सो दोज़ आर साइड इफेक्ट्स दैट यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट सो यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स यूज लोकल वेरिएबल्स वेर एवर पॉसिबल सो दैट देर आर नो अनवान्टिड साइड इफेक्ट्स लेट अस मूव नाउ टू फंक्शन कॉलिंग अगेन देखिए पिछली दफ़ा मैंने बात की थी कि सी का डिफॉल्ट जो है वो है कॉल बाय वैल्यू वॉट डज दैट मीन इट मीन्स कि जब हम एक फ़ंक्शन को कॉल करते हैं और उसको कोई आर्गूमेंट्स भेजते हैं तो एक्चुअली आप आर्गमेंट्स की कॉपी भेज रहे होते हैं औरिजनल आर्गूमेंट यानी वेरिएबल्स नहीं भेज रहे होते हैं. वो कॉपी की वैल्यू फंक्शन में पहुंच जाती है फ़ंक्शन उसको इस्तेमाल करे चेंज करे जो मर्जी करे उसका रिज़ल्ट जो मर्जी वापस भेजे लेकिन वो वैल्यू ही इस्तेमाल हो रही होती है औरिजिनल वेरिएबल इज़ नॉट बींग टचड सो इट इज़ कॉल बाय वैल्यू इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ सपोज़ मेरे पास एक खत है और खत के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई करेक्शंस होने वाली हैं तो मैं कहता हूँ किसी और को डिप्यूट करता हूँ कि भाई इसकी कॉपी बनाओ और ओरिजिनल मेरे पास छोड़ दो और कॉपी के ऊपर करेक्शंस करके ले आओ अब नोटिस कि वो करेक्शंस आ जाएंगी मेरे पास लेकिन ओरिजिनल को कुछ नहीं हुआ होगा ठीक है सो आई हैव गिवन अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल व्हिच इज़ द कॉल बाय वैल्यू पार्ट ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेटर ही ओरिजिनल पकड़ा देता और मैं कहता हैं इस पे करेक्शंस कर लाओ तो जब वो वापस आता तो ओरिजिनल भी बदला हुआ होता देट वुड बीन अ कॉल बाय रेफरेंस नाउ सी का डिफॉल्ट जो है वो है कॉल बाय वैल्यू एंड इट इज नाइस बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम अनवांटेड साइड इफेक्ट्स जो कॉल बाय रेफरेंस है वो ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट यू कैन सी के दी समाइम्स वी मे वॉन्ट टू एक्चुअली हैव द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल चेंज्ड बाय अ फंक्शन दैट वी हैव कॉल फ्राम द कॉलिंग प्रोग्राम इन दैट केस वी विल यूज़ कॉल बाई रेफरेंस लेटेस्ट एक एन एग्जाम्पल एंड मेक सर्टन फॉर आर सेल्स के जी कॉल बाई वैल्यू वर्क द वे इट इज सपोज टू वर्क सो सपोज आप एक मेन प्रोग्राम ले लेते हैं और एक उसके साथ एक छोटा सा फंक्शन आई यूज एफ फंक्शन ले लेते हैं जिसको एक इंटीजर पास होता है और वह इंटीजर को डबल करके उसको प्रिंट कर देता है और फिर वापस कंट्रोल मेन प्रोग्राम को दे देता है सो बेसिकली ऊपर एक फंक्शन का एफ़ का प्रोटोटाइप दे दिया एफ विद इन यू से इंट वो उसका प्रोटोटाइप हो गया मेन लिख लें इंटीजर इंट आई डिक्लेयर कर लें और फिर आई को से आई इज इक्वल टू टेन यूज़ अ सी आउट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ आई एंड ऑफकोर्स पुट इन द वर्ड सेंग इन मेन है ना ताकि पता चल जाए ये प्रिंट कहाँ से आए जब स्क्रीन पे नजर आ रही होती है चीज़ तो आपको पता नहीं होता कि इस वक्त कौन सा फंक्शन चल रहा है सो so, ये चीजें हम अपने लिए अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं सो इट हेल्प्स अस इन डिबर्गिंग एंड ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम सो वी से इन मेन आई इज इक्वल टू वट एवर वैल्यू वी वे टू इट देन वी कॉल द फंक्शन एफ एफ कॉल होता है तो वह होगा विद आई सो एफ पर अब हम फंक्शन में चले गए फंक्शन में जब कंट्रोल गया तो उसकी जो आपकी डेफिनेशन है वो आपके हैंड आउट्स में पड़ी हुई है डेफिनेशन में हमारे पास आ गया कि जी इंट आई में हमने उसको रिसीव कर लिया अब ये आई जो है ये फंक्शन का आई है मेन वाला आई नहीं है ओके वी विल प्रूव इट इन अ फ्यू मिनट्स यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि जी सी आउट इन फंक्शन एफ आई इज़ इक्वल टू टेन और वट द वैल्यू इज दैट वी वसाइंड इन मेन उसके साथ हम कह देते हैं कि जी आई

मेन में जाके नेक्स्ट लाइन एफ़ की कॉल के बाद वाली लाइन पे हम फिर कहते हैं सी आउट बैक इन मेन आई इज इक्वल टू क्या प्रिंट होगा वो वैल्यू प्रिंट होगी जो पहले मेन में असाइनमेंट के थ्रू हमने आई में डाली थी यानी फंक्शन ने आई स्टार इक्वल टू किया हुआ है लेकिन मेन वाले आई को कुछ नहीं हुआ दिस इन अ वे प्रूव द पॉइंट कि जो कॉल थी वो बाय वैल्यू गई थी फ्राम अ कंसेपचुअल परसपेक्टिव यू शूड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जी होता कैसे है कि जी मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं किसी फंक्शन को पास करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो उनको इस्तेमाल करें और ऑपरेट करें मैं उन वैल्यूज़ की कॉपी बना के कहीं और रख देता हूँ और फिर फंक्शन को कहता हूँ ये कॉपी पड़ी हुई है ये ले जाओ और इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर लो जो मेरे पास औरिजिनल है वो सिक्योर है इट इज़ नाट टचड चलें एक और कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल करते हैं जो ज़रा सा ज़्यादा यूजफुल है सपोज़ हमारे पास एक फ़ंक्शन हमें चाहिए जो कि एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न करता हो नंबर जो है वो डबल प्रिसजन हो सकता है सो so, पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं रिटर्न टाइप नेम ऑफ द फंक्शन हम लिखते हैं स्क्वेयर एस क्यू यू ए आर ई अगेन डिस्क्रिप्टिव और उसके एक एक नंबर पास किया जाएगा एज एन आर्गूमेंट वो भी ऑफ टाइप डबल होगा सो पैरेंथिस के अंदर इसे डबल एक्स ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस डाल के दरमियान में हम बॉडी ऑफ द फंक्शन करते हैं रिटर्न एक्स टाइम्स एक्स सिंपल ठीक है ना जो भी वैल्यू नंबर इसको पास किया जाएगा उसको इसने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर लेना है और वो वैल्यू रिटर्न कर देनी है अब आ जाए हम मेन की तरफ तो मेन के अंदर हम क्या करते हैं हम एक नंबर डिक्लेयर करते हैं डबल uh, नंबर और उसको फिर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं नंबर इक्वल्स वन टू थ्री पॉइंट फोर फाइव सिक्स फॉर एग्जाम्पल और हम आगे जाके सीधा फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन कॉल हम सी आउट के अंदर से ही कर लेते हैं हम कहते हैं सी आउट लेस दैन लेस दैन विद इन कोटेशन मार्क्स द स्क्वेयर ऑफ कोटेशन मार्क्स क्लोज फिर लेस दैन लेस दैन नंबर फिर लेस देन लेस देन फिर कोटेशन मार्क्स के साथ इज फिर स्पेस छोड़ के मैं सारा कुछ इस वास्ते पढ़ रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो हैंड आउट फॉलो करने की नो नीड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू शुड बी फेमिलियर विद द सी आउट इन टैक्स बाय नाउ इज के बाद जो फिर लेस देन साइन हमने डाले उसके बाद हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम कहते हैं स्क्वेयर पैरथिस नंबर परेंथिस क्लोज सेमी कॉलन वट हैपन्उट के अंदर से ही ये फंक्शन कॉल होगा जो भी नंबर की वैल्यू है वो वही जो मैंने बात की थी कि कापी बन के उसकी वैल्यू स्क्र फंक्शन को चली गई उसने उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया उसने रिसीव किया इन इट्स ओन लोकल वेरिएबल कॉल्ड एक्स उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करके उसने उसका स्क्वेयर की वैल्यू वापस भेज दी जो वैल्यू वापस आई वो सी आउट ने प्रिंट कर दी सो so, इफ़ यू वॉन्ट टू कंफर्म कि जी नंबर की वैल्यू अभी भी नहीं बदली तो बेशक इसके बाद एक और सी आउट लाइन डाल लें कि जी द करेंट वैल्यू ऑफ नंबर इज वेरिएबल नंबर ठीक है एंड यू विल फाइंड आउट कि जी नंबर की वैल्यू नहीं बदली जो स्क्वेयर फंक्शन था उसने दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉल बाय वैल्यू वाई आई मैंशनड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि जी स्क्र इन फैक्ट क्योंकि सी के अंदर बिल्ट इन ये ऑपरेटर्स नहीं हैं स्क्र रूट करने के लिए या स्क्र स्क्र करने के लिए या स्क्र रूट लेने के लिए या लॉग लेने के लिए उन्होंने पूरी एक मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी आपको दी हुई है वो लाइब्रेरी जो है वो उनके प्रोटोटाइप सारे एक फ़ाइल है कॉल्ड मैथ डॉट एच वही हेडर फाइल इसके अंदर सारे फंक्शन के प्रोटोटाइप्स पड़े हुए हैं वो मैथ डॉट एच में दिए और अलग एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सो so, अगर आपने कोई भी मैथ का फंक्शन इस्तेमाल करना हो तो अपने प्रोग्राम के ऊपर आप लिखेंगे शार्प इंक्लूड उसी तरह एंगल ब्रैकेट्स के साथ मैथ डॉट एच है ना वो इंक्लूड हो जाएगी सारे प्रोटोटाइप्स आपको मिल जाएंगे उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाएंगे स्क्वेयर रूट एस क्यू आर टी टेक्स वन नंबर ऑफ टाइप डबल एंड रिटर्न अ डबल सो उसका अगर प्रोटोटाइप हम लिख रहे हो हम लिखेंगे डबल एस क्यू आर टी यही चीज़ मैथडोटिक्ज के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है इसी तरह लॉग है लॉग टेन है पावर uh, एक फंक्शन है अभी तक याद है हमने एक फंक्शन लिखा था विथ सेट एक्स टू द पावर एन वेर एन वॉज एन इंटीजर ये जो सी का साथ फंक्शन आता है आई एम केयरफुल आई एम आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बिल्ट इन देर इज़ नो सच थिंग इज अ बिल्ट इन फंक्शन साथ आता है ठीक है सम बॉडी एल्स रोटेट फॉर यू यू कैन राइट योर ओन वट एवर यू बॉन्ट जो साथ आता है पावर का फंक्शन पी ओ डब्ल्यू वो हमारे रेज टू पावर एक्स कॉमा एन फंक्शन से कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो रेज़ करता है एक्स टू द पावर वाई जहाँ एक्स और वाई जो हैं दोनों डबल्स हो सकते हैं देर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि वो इंटीजर को रेज टू द पावर करे एंड सो ऑन दर इज अवज नंबर साइन कॉस टेन ये सब अवेलेबल है मैथ डॉट के अंदर और सब में एक चीज़ कॉमन है दे आर ऑल कॉल बाय वैल्यू जो भी नंबर आप भेजेंगे कि इसका साइन लेके हमें वैल्यू दो इसके स्क्वेयर रूट लेके वैल्यू दो उस नंबर के ओरिजिनल वेरिएबल को कुछ नहीं होगा उसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी कॉपी उसकी जाएगी बाय वैल्यू इस्तेमाल होगी उसका रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा दिस ऑल कॉल बाय वैल्यू डू वी एवर वांट टू यूज़ कॉल बाय रेफरेंस इन अदर वर्ड्स जब हम चाहें कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू ही बदल जाए सो थिंक अबाउट ये जो अभी हमने स्क्वेयर का एक फंक्शन लिखा है हम ऐसा चाहें कि जी हम कहें स्क्वेयर एक्स और एक्स जो है वो बजाते खुद स्क्वेयर हो जाए ठीक डेट मीन्स के जी अब सिर्फ वैल्यू पास हो के वहाँ कुछ काम नहीं हुआ कोई चीज़ हमने भेजी जिसका रिजल्ट हमारे कॉलिंग प्रोग्राम वाले एक्स को भी अफेक्ट कर गया ये वाले फंक्शन जो हैं ये कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन कहलाते हैं अब इनके अंदर थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ कुछ आ जाते हैं कि जी इनको कैसे कम्युनिकेट किया जाए बिटवीन द कॉलिंग प्रोग्राम एंड द फंक्शन विच इज़ बीइंग कॉल्ड बाय रेफरेंस एज द नेम इज़ अपेरेंट फ्रॉम द नेम रेफरेंस मींस कि जी हम वैल्यू नहीं भेज रहे हम उसका कोई पता भेज रहे हैं यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जी आपको याद होगा हमने बात की थी कि वेरिएबल जो हैं वो मेमोरी लोकेशंस के नाम हैं तो जहाँ पे मेमोरी लोकेशन है वहाँ नाम भी है तो उसका पता भी है दिन अ मेमरी एड्रेस एसोसिएटेड विद डेट नेम इफ़ आई वांट माई कॉलिंग प्रोग्राम और अदर इफ़ आई वॉन्ट द कॉल्ड प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन अ कॉलिंग प्रोग्राम देन आई मस्ट पास द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू द सब फंक्शन इफ़ आई पास द एड्रेस सोचें क्या होगा क्या मैं फंक्शन को कह रहा हूँ कि जी वो नंबर जो मेमोरी एड्रेस एक दो तीन के ऊपर पड़ा हुआ है उस नंबर को स्क्वायर कर दो और साथ में ये कह सकता हूँ कि उसकी वैल्यू उसी के अंदर डाल देना तो जब ये काम हो के हमारे मेन कॉलिंग फंक्शन के पास हम वापस आते हैं तो कॉलिंग फंक्शन फिर जाके मेमरी लोकेशन को देखते हैं कि जी यहाँ क्या पड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसको नई वैल्यू मिल जाती है मॉरल ऑफ द स्टोरी वेन एवर वी वॉन्ट टू कॉल बाई रेफरेंस देन वी कैनॉट पास द वैल्यू वी हैव टू पास द एड्रेस ऑफ द वैल्यू द मेमरी एड्रेस सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मैकेनिज्म। दैट न्यू मैकेनिज़्म इन विद इन सी इज़ द एम्परस ऑपरेटर ठीक है एंड साइन जो है ना आपके कीबोर्ड पे वो एम्पर्स कैरेक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है टू टेक द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल सो लेट्स लुक एट अ फंक्शन इसी का स्क्वायर की एक मॉडिफिकेशन जहाँ पे स्क्वायर बजाते ख़ुद एक्स की वैल्यू को स्क्वायर कर छोड़े और कॉलिंग प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी इसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आए अब देखें थोड़ा सा मैं पहले मेन की बात कर लेता हूँ और फिर आते हैं कि जी वो जो फंक्शन है स्क्वेयर का फंक्शन उसकी नई शक्ल सूरत क्या बनती है मेन के अंदर तो सिंपल है हमने डबल एक्स डिक्लेयर कर दिया एक्स को कोई वैल्यू दे दी लेट्स से एक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री पॉइंट फोर फाइव सिक्स इट्स डबल नंबर उसके बाद हमने कहा स्क्वेयर एक्स ठीक है अब स्क्वेयर एक्स अकेला नहीं हम कह सकते अदरवाइज इट वुड बी अ कॉल बाय वैल्यू पहली चीज़ इट्स नॉट वी डोंट वांट इट टू रिटर्न एनीथिंग हम तो कहते हैं कि एक्स इसको इस तरह से पास किया कि एक्स बजाते ख़ुद बदल जाए सो वी नॉट लुकिंग एट अ रिटर्न वैल्यू टू स्क्वेयर एक्स विल बी ऑन अ लाइन बाय इट्सैल्फ लेकिन एक्स को हम इस तरह नहीं लिखते हम कहते हैं स्क्वेयर परेंथसीज एम परसेंट एक्स पैरेंथिस क्लोज सेमी ये जो एंड एक्स लिखा है सो आई विल कॉल द एम परसेंट एंड एंड एक्स जो लिखा है दैट मीन्स कि जी एक्स की वैल्यू पास नहीं हो रही एक्स का मेमोरी एड्रेस पास हो रहा है सो द फंक्शन स्क्वेयर इज बीइंग कॉल्ड विद द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एक्स आई होप दैट इज क्लियर नाउ वी गो टू द फंक्शन इट अभी मैंने इसकी प्रोटोटाइप डेक्लेन डेफिनेशन इसी वास्ते छोड़ी रखी है कि अब एक और थोड़ी सी ट्रिकी बात आ रही है जब हम फंक्शन में पहुंचे स्क्वेयर में तो अब बताइए कि वो रिसीव क्या चीज़ कर रहा है Is it receiving a variable of type double? No. It is in a way receiving a variable of type address. But हमें तो address का भी पता ही नहीं है क्योंकि वो variable type क्या होती है ये वो सी का मशहूर है ज़माना एक वर् सब में इस्तेमाल करता हूँ जो कि बाद में बहुत आम इस्तेमाल में आएगा वो है पॉइंटर उसका सिम्बल इज़ द एस्टरिस्क सिम्बल द स्टार ऑन द की स्क्वेयर का फंक्शन जो चीज़ रिसीव कर रहा है दैट इज द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल को रिसीव करने के लिए द टाइप ऑफ वेरिएबल इज अ पॉइंटर सो वी से स्क्वेयर, देन विद इन परंथिस वी से डबल स्टार एक्स इसको पढ़ने का तरीका यह है कि जी वेन वी से डबल स्टार एक्स यू रीड इट नॉर्मली एज एक्स इज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, सो इट्स लाइक राइट टू लेफ्ट आप पढ़ रहे हैं एक्स इज़ अ पॉइंटर सो स्टार जहाँ आएगा उसको आप पढ़ेंगे इज अ पॉइंटर ऑफ टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप जो पहले दी हुई है विच इज डब सो अब जब आपने मेन प्रोग्राम से एंड एक्स करके भेजा एड्रेस वो इस वेरिएबल में आ गया जो स्टार एक्स है दिस एक्चुअली मीन्स वॉट एवर एक्स पॉइंट टू इन ई दैल्यू Okay, so you can get the value of the variable by using star x okay? now inside square we have to do this thodi si gandhi typing okay, we have to say whatever x points to is equal to whatever x points to multiplied by whatever x points to that is the square so abham kiakariyam is star x equal to star x whatever x points to फिर स्टार विच इज़ द मल्टीप्लीकेशन और फिर स्टार एक्स कोलन ट्रिकी बट नॉट दैट बैड ओके सिर्फ जो ट्रिक है और जो चीज़ याद रखने वाली है वो स्टार एक्स आपने इकट्ठा एक लिखना है उसके दरमियान में स्पेस नहीं देनी सो नाउ वट वी सेंग इज़ कि जी वो जो मेमरी में एक डब्बा था बॉक्स नंबर वन हंड्रेड ये लाइन कह रही है बॉक्स नंबर वन हंड्रेड के कॉन्टेंट्स को लो जो भी उसमें वैल्यू पड़ी हुई है उसको उसके अपने साथ मल्टीप्लाई करो और वापस उसी डब्बे में डाल दो ओके सो यू कैन थिंक ऑफ एनवलअप्स लेबल्स बॉक्सेस बकेट्स वॉट एवर बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम वी आर नाउ नॉट सेंडिंग यू द वैल्यू इन साइड द बॉक्स वी आर सेंडिंग यू द बॉक्स नंबर सो एंड एक्स से बॉक्स नंबर गया एंड स्टार एक्स से हमने इस्तेमाल किया किया वॉट एवर एक्स पॉइंट्स टू यानी वॉट एवर दान्स ऑफ द लोकेशन एट एड्रेस एक्स इस मेकनिजम के साथ अब हम कॉल बाय रेफरेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो बैक टू द फंक्शन स्क्वेर एक्स जो है कहता है स्टार एक्स एक स्टार एक्स टाइम्स स्टार एक्स सेमिकोलन एंड ऑफ फंक्शन वाई नो रिटर्न स्टेटमेंट भाई रिटर्न तो अगर हम कोई वैल्यू करना चाहते तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट आती अब तो हमने ये कहा है कि जी वो वैल्यू कैलकुलेट करके वापस हमने उस डब्बे में डाल दी है आप वापस मेन प्रोग्राम में, में आएँ वहाँ पे जाके x की वैल्यू प्रिंट करें यू विल फाइंड कि वो स्क्वेयर हो चुकी है ओके सो दिस इज़ नाउ अ कॉल बाय रेफरेंस बाय एंड लार्ज वी ट्राई टू अवॉइड अ कॉल बाय रेफरेंस क्यों क्योंकि जी उसके साइड इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली हो गए ना आपने तो किसी चीज़ का पता ही बता दिया ओके डेंजरस इवन इन रियल लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो गिव समी सम वैल्यू You, you do not provide them your home address. You normally try to work with values rather than with references. Whenever we need to use a reference, we use it, otherwise, we do not. We stay with the call by value convention. So, just to recap, the default is call by value, and if we want to do a call by reference in C, we have to do something special. बट लेट मी वॉन्ट यू अगेंस्ट इट वी विल वरी अबाउट इट वेन वी गेट टू द अरेज पार्ट लेकिन इस वक्त बाय एंड लाज यू शुड बी यूजिंग कॉल बाय वेल यू पॉइंटर्स के बारे में हम बहुत तफसील में जाएँगे आगे सो so, आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि जी रेफरेंस के लिए पास करना पड़ता है हमें एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल वो एड्रेस लेने के लिए हमारे पास एम्पसेंड ऑपरेटर है सो वी से एड्रेस ऑफ एक्स एंड टू रिसीव इट वी यूज अ पॉइंटर वेरिएबल स्टार एक्स विच रिसीव द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इन द स्टार एक्स मीन्स वट एवर एक्स पॉइंट्स टू द इट बिकम्स अ वैल्यू अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऑन एन अदर टाइप ऑफ फंक्शन ये फंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शंस एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है जो कि अपने आप को कॉल कर सकता है ये किस किस्म का फंक्शन होगा थिंक अबाउट इट देर आर मैनी प्रॉब्लम्स एंड मैनी स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर आप देखेंगे कि जी एक चीज़ इस तरह से मॉडल की जा सकती है कि वो अपने आप को रिपीट करे अलग अ सिंपल एग्जाम्पल वाट अबाउट एक्स टू द पावर टेन कैसे कैलकुलेट करेंगे वेल दे आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट बट फ्रॉम अ सिंपल परस्पेक्टिव यू कैन से जी बाई डेफिनेशन एक्स टू द पावर टेन इज एक्स टाइम्स एक्स टू द पावर नाइन सो वॉट इज़ एक्स टू द पावर नाइन इट इज़ एक्स टाइम्स एक्स टू दावर एट वाट इज़ एक्स टू द पावर एट इट्स एक्स टाइम यू कैन सी द पैटर्न द पैटर्न इज इफ़ आई हैव एक्स टू द पावर एन आई कैन ऑलवेज राइट इट एज़ एक्स टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन और अगर कम्प्यूट करना हो तो आई कैन ऑलवेज राइट अ प्रोग्राम विच इज के जी मुझे पावर लेनी आनी चाहिए वो कैसे लेंगे कि जी द पावर फंक्शन इट सेल्फ इज इफ एम गिवन एक्स एंड आई एम गिवन एन आल से रिटर्न एक्स टाइम्स पावर ऑफ एक्स एन एक्स कॉमा एन माइनस वन सो इट्स अ रिकर्सिव कॉल फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है नाउ कैन वी जस्ट लीव इट एट दैट नहीं यू हैव टू नो कि ये रिकर्सिव कॉल रुकेगी कहाँ पे जाके सो so जब एन माइनस वन जाता है या वन पे आ जाता है या जीरो पर आ जाता है आप उसको रोक लेते हैं ये पावर एग्जाम्पल के लिए इसी तरह के कई और प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं फैक्टोरियल्स ओके फैक्टोरियल आपको याद होगा कि जी फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिफाइंड एज मतलब अगर एन फैक्टोरियल लेना है तो एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू ऑल द वे डाउन टू टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन सो इट्स अ होल मल्टीप्लीकेशन और अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो देखें लेट्स ए फाइव फैक्टोरियल ये किताब में भी अच्छी तरह खोल के एग्जाम्पल दिया हुआ है सो यू कैन स्टडी इट देयर कि जी फाइव फैक्टोरियल बाई इज फ़ाइव टाइम्स फ़ोर टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन बट अगर फ़ाइव टाइम्स को मैं अलहदा कर दूँ तो बाकी क्या बचा बाकी बचा फोर टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन पिच बाई इज फोर फैक्टोरियल सो फाइव फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर फैक्टोरियल सो इफ़ आई हैड अ फैक्टोरियल फंक्शन then it would do something like that ठीक है जी factorial n, क्या चीज़ रिटर्न करता है n टाइम्स factorial ऑफ n 1 लेकिन इसको रुकने के लिए कोई जगह चाहिए तो फैक्टोरियल में भी हम रुकने के लिए वन इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल दो ज़ीरो फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू वन सो रिकर्सिव हैं उसके अंदर हमेशा एक बेस केस होना चाहिए कि एक रुकने की जगह होनी चाहिए और फिर जो प्रॉब्लम है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके दो टुकड़े हो जाएँ एक टुकड़ा वो जो कि प्रोग्राम ख़ुद मतलब एक्सिक्यूट करे और दूसरा टुकड़ा वो जो कि बार बार रिपीट हो रहा है यानी प्रोग्राम की ही शक्ल इख्तियार कर रहा हो सो रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर फिबोनाची सीरीज़ है वो भी आपके अंदर किताब में दी हुई है फैक्टोरियल को ज़रा सा देख लेते हैं कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल का फंक्शन लिखने के लिए पहले हमने कहा जी ये इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर जो पास हो रहा है सो वी से रिटर्न भी इंटीजर होगा आई वुड प्रेफर कि जी आप रिटर्न लॉन्ग कर दें क्यों लॉन्ग कर दें बिकॉज़ फैक्टोरियल की भी वैल्यू बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो जाती है ठीक है सो so, जब आप फैक्टोरियल कंप्यूट करने लगेंगे तो शायद इंटीजर ओवरफ्लो कर जाए मेमोरी में इतनी जगह ही ना हो कि इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर सके सो इफ़ यू वर टू राइट द फैक्टोरियल फंक्शन लेट अस यूज लॉन्ग इंटीजर्स व्हिच एज यू नो इन सी आर कॉल्ड लॉन्ग सो वी से लॉन्ग फैक्टोरियल लॉन्ग इन ओके सो एन विल बी द वेरिएबल दैट वी यूज इन साइड जब हम फंक्शन के अंदर जाते हैं सो सबसे पहले आप बेस केस को चेक कर लें क्या एन वन तो नहीं हो गया सो इफ एन इज इक्वल टू वन रिटर्न वन ठीक है ना? और रिटर्न एन बिकॉज वैल्यूज की वन है एल्स रिटर्न एन टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस वन वेरी एलिगेंट वेरी लॉजिकल ठीक है कि जी एन अलीदा कर दिया बाकी क्या बचा एन माइनस वन फैक्टोरियल तो उसके साथ हमने उसको वापस कर दिया नाउ यू कैन लुक एट द वर्क आउट एग्जाम्पल फिर व सीरीज का एग्ज़ाम्पल है मैंने पावर का एग्जाम्पल दिया यू कैन ट्राई टू प्रोग्राम इट रिकर्सिवली द इशू इज मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो कि ऑलरेडी हम मास्टर कर चुके हैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू के जी डिसीजनस एंड लूप्स एंड यू कैन राइट एनी प्रोग्राम सो डू वी नीड टू गो इन टू रिकॉर्शन द आंसर इज इट एड्स अ लिटल एलिगेंस टू योर प्रोग्रामिंग बट देर इज़ अ बिग प्राइज टू पे देखें होता क्या है अगर आप वही किताब में अगर देखेंगे फिविनाची का एग्जाम्पल तो आपको पता चलेगा कि जी एक फंक्शन कॉल होती है उसके अंदर से दूसरी फंक्शन कॉल होती है उसके अंदर से तीसरी होती है ये होता जाता है जब तक आप बेस केस में नहीं पहुँचे और बेस केस पे पहुंचते हैं तो अब वापस आना शुरू होते हैं उतनी देर तक ये सारी फंक्शन कॉल्स जो थी ये सीक्वेंस जो था ये ख़त्म नहीं हुआ एक कॉल शुरू हुई वो भी ख़त्म नहीं हुई उससे एक और कॉल शुरू हो गई वो भी ख़त्म नहीं हुई उससे एक और कॉल शुरू हो गई फ्रॉम इनसाइड द कंप्यूटर द परस्पेक्टिव इज कि जी देर इज़ अ मैनेजमेंट इशू फंक्शन कौन सा था कितने लेवल पे है क्या चीज़ इसको पास हुई ये खुला रखो अभी आगे और चला जाएगा ठीक है सो देर अ मेमरी ओवर हेड द अदर ओवर हेड इज अ स्टैकिंग ओवर हेड सोच लें कि जी अगर मैं फैक्टोरियल उसको कह दूँ कि जी फाइव हंड्रेड तो इट इज़ फाइव हंड्रेड नेस्टेड कॉल्स ऑफ अ फंक्शन एंड नन ऑफ दैम कम्प्लीट्स नाउ आई कुड राइट द फैक्टोरियल फंक्शन वेरी इजली सिंपल लूप जिसमें कोई स्टैकिंग नहीं होगी कोई मेमरी ओवर हेड नहीं होगा कोई मैनेजमेंट ओवर हेड नहीं होगा सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ईदर गोइंग टू Elegant code or to go to efficient code. I mentioned earlier, sometimes there is a trade off elegance versus efficiency. Where the price is not too high, go for elegance, but if the price is too high, then efficiency wins. Okay? Computer time, although it is very, very inexpensive now, is still expensive. Let us try to do the job efficiently. So recursive functions are a facility that is available in C and in many other languages as well, but not in all languages, that's interesting to know. Lekin recursion tamam problems recursively solved a certain set of problems which can be separated the way I said there's a base case and there's an iterative case. Lekin usat associated overhead, hai, and you have to be clear ke ji, kharch zyada karna hai ya ja, elegance matlab, elegance leni hai ya ja, efficiency leni so ab, let's take a little review of what we've done we spoke about header files and we said that this is a nice mechanism of putting all your prototypes and definitions of let's say global constants that you want to use inside your programs you can put them in one place using header files then we went on and we spoke about the scope of variables कहाँ विजिबल हैं कहाँ नहीं विजिबल कहाँ पर डिक्लेयर करें तो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सो ऑन वी वेंट ऑन टू फंक्शंस एंड वी स्पोक अबाउट कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस एंड वी विल कम बैक टू दिस इनफैक्ट वी विल भी री विजिटिंग मोस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स अगेन एंड अगेन एज वी गो ऑन एंड देन वी केम डाउन टू द रिकर्शन और उसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दिया एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग अब बैक टू द टाइम जब मैं फिर ये you तो know, आपको हिंडस पॉइंटर्स उकसाता हूँ मॉडल्स की बात करता हूँ एक्सेट्रा ये देखें दिस कॉन्टेक्ट ऑफ आवर्स विच इज़ माय टॉकिंग एंड यू सिटिंग इन फ्रंट इन लिसनिंग इज़ ओनली दैट दिस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ द बिग पजल राइट फ्रॉम डे जीरो मैं आपको कहता रहा हूँ राइट प्रोग्राम्स राइट प्रोग्राम्स राइट प्रोग्राम्स मे बी इस वक्त आपने अभी ये सलाहियत ना हो कि जी अपने लिए कोई प्रॉब्लम सोचें। आई थिंक यू हैव दैट केपेबिलिटी ऑल यू नीड टू डू जस्ट लुक अराउंड यू फाइंड अ प्रॉब्लम दैट्स कम्प्यूटबल एंड राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन देंड आपकी किताब में बेशुमारसरसाइज दी हुई हैं आप उनको करें जितना कोड लिखेंगे उतनी आपको ना प्रोफिशंसी हासिल होगी उतनी आपकी एलिगेंस उतना आपका स्टाइल बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके पास एक अच्छी प्रोग्रामिंग एन्वायरमेंट है डेव सी प्लस प्लस इज़ अ गुड टूल उसको इस्तेमाल करें हेडर फाइल्स आपको मिल जाएंगी उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर यू कैन सी द हेडर फाइल्स खोलें उनको देखें उनके अंदर क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा हुआ है ये वो गुरुओं ने लिखा हुआ है जो लैंग्वेज लिखते हैं उन्होंने आपके लिए फंक्शंस लिख के भेजे हुए हैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा लाइनक्स है लाइनक्स की अगर आपको सीडीज कहीं से मिल जाए तो यूजअली उस सी सेट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड मौजूद होता है एंड दैट सोर्स इज़ ऑल्सो रिटन इन सी सो यू कैन ओपन इट एंड लुक एट यू नो हाउ द मास्टर्स राइट प्रोग्राम्स सो डोंट जस्ट अटेंड द लेक्चर्स एंड लीव इट एट दैट या अपनी हमने जो आपको असाइनमेंट दी वो असाइनमेंट कर दी आई हैव एग्जॉटेड यू एंड आई हैव टोल्ड यू एंड आव रिपीट इट अगेन एंड अगेन टू बिलोंग्स टू ब्रिलियंट बट हार्ड वर्किंग पीपल there is no substitute for hard work so do a lot of programming on your own not just the assignments only then will you become a proficient programmer thank you very much agli dafa phir mulaqat hogi khuda hafiz